मेरी जिंदगी तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो। डॉक्टर साहब एक मिनट, चैन भी मेरा दर्द भी मेरे आशिक तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। यहाँ पे मेरे पे बेबी शावर कर रहा है तू, अंदर जाके पेशेंट से हफ्ता लो, चलो यहाँ से। डॉक्टर साहब हेलो जानू, इट्स जस्ट टाइम वेस्ट, नो प्रॉब्लम, वी विल टॉक। तुम्हारा हाथ भूतों की तरह ऐसे चला गया था। यस डॉक्टर साहब, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। या डम्ब एंड डमी, बहुत ब्यूटीफुल। पहली बार आई हो एपिसोड में, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारे। कहाँ गई तुम? तुमको पता है कपिल शर्मा ये मुझसे जुबान नहीं लड़ाती, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने ना दुनिया को बता देना कि ये गंजी है। हेलो बेबी जस्ट यू। हाय श्रद्धा, हाय आदित्य, दिस इज डॉक्टर मिश्र। ये क्या कर रहे हैं आप सर? आपको शर्म नहीं आती? पहली बार तुम्हारा अटैक मेरे काम आया है। डॉक्टर साहब एक फिल्म में आप उसके पापा बने थे, आपको शर्म आनी चाहिए, चाहे फिल्म में बने थे। इधर आ बैठिए, इधर इंट्रोडक्शन यहाँ से दीजिए। हमने तो फिल्म में चार लड़कियों के हस्बैंड बने थे, अकेले हर लड़की पे लाइन मार रहे हो तुम। फिल्म का क्या होता है, इतनी क्रिएटिविटी करने क्या जरूरत थी? अंडरवेयर फाड़ के ही हो लिखा है। ये सिल्क अंडरवेयर कौन पहनता है भाई? अंडरवेयर नहीं है। बताओ उनको क्या करने आए हो? आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, IPL। IPL मतलब? IPL मतलब नहीं पता, सोनी टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ये। क्या IPL मतलब? IPL मतलब इतने प्यारे लोग। आपने फिल्म में बहुत रोमांस किया है, राइट? यस। तो मेरा भी कुछ अगर आप करवा दें तो। क्या करवा दें मैंने? आपकी नजर में कोई लड़की है? है ना, नजर में है, जिगर के पास है। कौन? वो अपना दीपिका पादुकोण ले लो। दीपिका पादुकोण का मतलब क्या है? उसको कैसे ले लो भाई? क्यों आपको शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे चिड़े जैसे बाल रखे और आप दीपिका पादुकोण का नाम ले रहे हैं पागल से? HMMM। क्या HMMM? वो सोचने वाला होता है ना, वो HMMM। ऐसे सोचते ना। मैंने आपकी फिल्म ओके जानू का वो ट्रेलर देखा। हाँ डॉक्टर साहब, आपका तस्मा बंधा हुआ है, पैंट भी बंधी हुई है। बोल दो। आपने उनकी फिल्म का ट्रेलर देखा है? Yes. तो देखने के लिए बनाया ना उन्होंने? Yes. और लोग सूंघते हैं? मैं फिल्म नहीं देखता, बट आई विल वॉच योर फिल्म। यू विल वॉच इट? प्लीज वॉच इट। ओके, सो गिव मी द टिकट। आप इतने प्यारे कपल से मिलने आए हैं। यस, आप काफी रोमांस कर रहे हैं पिक्चर में। काफी ये लव स्टोरी है सर। या सो मेरे को भी थोड़ा लव करना सिखाइए, रोमांस करना सिखाइए। कैसे रोमांस करते हैं? कैसे सिखाइए? इतनी खूबसूरत लड़की, उसके लिए तो आपको गिफ्ट लाना चाहिए था ना, कोई मुंह उठा के आ गया तो दे दो ना अपना फोन। सजेस्ट कर रहे हो तो गिफ्ट लाना चाहिए था। गिफ्ट मैं लेके आया हूँ, मैं फालतू आदमी नहीं हूँ। एज अ डॉक्टर आई वांट टू गिव यू दिस। थैंक यू कहने की जरूरत, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, 150 रुपए दे दीजिए। 150 का है? 50 रुपए का होगा मुश्किल से। हाँ तुम तो बेचते हो ना, तुमको रेट पता है इसका कितना है। 150 का तो नहीं है ये। आप शर्म नहीं आती आपको? इतनी खूबसूरत लड़की से पैसे मांग रहे हैं आप? ओह सॉरी, आजकल तो कैशलेस का जमाना है, लड़की स्वाइप कर दीजिए। ये ना
इंडिया अभी कैशलेस हुआ है डॉक्टर साहब, पहले से ही सेंसलेस, शेमलेस, केयरलेस, करेक्टरलेस, बोनलेस भी कह दो। खास लोग जब बात कर रहे हैं बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपका नंबर टाइप करके ना आपके पैसे निकाल लेने। क्या निकाल लोगे? आपको पता है नया चीज आ गई मशीन में, क्या मैं यहाँ से टाइप करके आपकी पैंट भी उतार सकता हूँ। तो फिर राजा करो मेरे बाथरूम 9 बजे सवेरे। भाई तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आई है। तुम्हारी 9 बजे नहाते हैं आप? नहीं इतना तो मैं कभी भी नहीं आ सकता जितना इसने था। मैं इमेजिन कर रहा था तू बाथरूम में गया हुआ है और क्या क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब आप फिर अभी इधर ही बैठे हैं आप? या मैं और किधर बैठूं बताओ। ओके खैर छोड़ो, रोमांस के बारे में सिखाइए कि भी कैसे करते हैं वगैरह। डॉक्टर साहब मुझे एक आइडिया है। यस यस ओके लेट मी ट्राई। ओके ओके कम फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड द हैंड। ओके मैं हैंड फोल्ड कर लेता हूं। आपने नहीं वो आपको दिखा वो आपको दिखा रहे हैं। तुमने अपनी मनुष्यता इतना बीच में पहले लगा दिया कर रहे हो। ओके एक्सक्यूज मी। ओके हां कुमार कॉफी पीने चले? ये महंगा सौदा पड़ेगा आपको, रुमाल 20 रुपए का, कॉफी 200 रुपए की है। समझ आ गया आपको? आ गया? हाँ, कुछ कुछ तो आ गया। तो लड़की का नाम तो बताया नहीं आपने? लॉटरी आई लाइक हर। हाँ शी आल्सो हेट्स हिम। या लॉटरी आ गई रुमाल। ऑल द बेस्ट। वाह। अरे हेलो सॉरी आपका रुमाल गिर गया। आपका है? चलो कॉफी पीने चलो। मैं मर्दों का रुमाल नहीं रखती हूँ। डॉक्टर साहब आपने भी आधी बात सुनी, रुमाल आपका रुमाल गिर गया। मर्दों का रुमाल, लड़कियों का रुमाल दो ना उसको। मेरे को तो लगा था इम्प्रेस हो जाएगी, तो इम्प्रेशन देगी मैं। एक और आइडिया बाजी, आपको आशिकी फिल्म अच्छी लगी? या जैकेट वाला मोमेंट, यू रिमेंबर जैकेट मोमेंट? I remember only that moment. Okay, so I will show you that moment. Okay. 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 Knock knock. Knock knock. Aa darwaza khola, gaana khatam ho gaya. Aisa kuch. Darwaza. Ye kya hai? Hamare saath to kabhi mandir bhi nahi jaati, unke jacket mein chali gayi fatafat. पाप लगेगा तुम्हें। एक मिनट आपने जो सिखाया है, बट आई नीड टू ट्राई दैट आउट। सो व्हाट श्रद्धा प्लीज आप आइए, मैं आपके साथ। डॉक्टर साहब आप फिर किस गलती कर रहे हैं आप? क्या गलती? आपने देखा कैसे लेके गए लॉटरी को? प्यार से आंखें बंद करो, मैं लेके आता हूँ। आंखें बंद करके तो मैं तुम्हारे साथ ना कर लूं। आंखें बंद करके कर लूं, मारा पता नहीं है तुम कितनी टीचरबाजी करते हो। मैं नहीं, डॉक्टर साहब फील आता रोमांस का, आप समझते क्यों नहीं है? पक्का रोमांस का पूरा। क्यों कुछ लड़की बोल रही? चलो उसकी बात प्लीज आंखें बंद कर लीजिए। प्यार अंधा होता है। बिल्कुल हाँ, तो वही तो वही इसीलिए तो बोल रही है। मेरे लिए इधर आइए ना आप। डॉक्टर साहब आप जाइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पहले पहले आप जाओ डॉक्टर साहब, जैकेट दे दो जरा। तो डॉक्टर साहब आपने आंखें बंद करनी है, जैसे श्रद्धा आपके पास आएगी आपने फिर जैकेट डालनी। ठीक है? ठीक है, आंखें बंद कर लो फिर। आंखें मैंने बंद कर ली। वेरी गुड, मैं यू आई बस आई। नहीं आराम से वॉक करके आए, पीछे से वॉक करके आते हैं। आप में से बदबू क्यों आ रही है? ऐसी श्रद्धा होना तो भगवान से मेरी श्रद्धा खत्म ही हो जाए। फोटो खराब करते हो, मेरी पिक्चर क्यों खराब कर रहे हो? अरे वेरी मीन। नहीं डांस करा पाइए, अब मैं आपके साथ ही डांस करूंगी। ओके वंस अगेन म्यूजिक, कैन वी हैव हम्मा हम्मा प्लीज। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये दास दादा है, हमारे शो के फोटोग्राफर है, और आपको एक खुशखबरी देने दास दादा, एक खूबसूरत मोबाइल है मैं आपको देना चाहता हूँ। देना तो मैं तुम्हें भी एक मोबाइल गिफ्ट चाहता हूँ, कल मेरे को याद दिलाना ठीक है। आज मैं दास दादा दे देता हूँ। दास दादा ये रखो, और कल इसी एपिसोड में वापस कर देना, मैं किसी और को दूंगा। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया।
डॉक्टर साहब आप अभी तक मरे नहीं। चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके लिए आ जाओ आ जाओ, मैं आपके लिए हंसने वाले इंजेक्शन देता हूं। ये ले जाओ अपनी बाल्टी। चलो चलो ठीक है आ जाओ जाओ बेटे, थोड़ा मांग मुंग किया होगा। ये तो ले जा पत्थर वाली। तू ले गया पीछे। हेलो आदित्य। हेलो सर। हाय श्रद्धा। हेलो। अच्छा लेके चाय आया, कॉन्फिडेंस देखो तो। चंदू ये लेके क्या आया तू? देखो सर शर्मा जी, आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 5 स्टार वाली फैसिलिटी देनी है, इसलिए मैं 5 स्टार की तरह बेड टी दिया करूंगा। ओए बेवकूफ आदमी, बेड टी मतलब 5 स्टार में बेड लगा होता है तो उठते ही चाय मिल जाती तो बेड टी। लेकिन मेरे उधर कोई क्यों सोएगा? उधर सोने के लिए जगह भी नहीं, कुत्ते सोते हैं उधर। उनको मैं चाय पिलाता हूँ, वो आगे से काट लेते हैं। अच्छा बाजी एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं जैसे कुत्ते वो नहीं, कुत्ता मैं हूँ। खैर अपना दित्य जी, अपना शक्कर कितनी मुट्ठी लेंगे आप? मुट्ठी नहीं होती भाई, चम्मच होता है, मुट्ठी जितनी शक्कर। देखो चमचागिरी में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। छोटा आदमी गरीब आदमी भाई, हाथ की मेहनत की कमाई खाता हूँ मैं जी। हाँ जी कितनी मुट्ठी? क्वार्टर मुट्ठी। ओए अमीर आदमी है, कम लेते हैं शक्कर। यही तो प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए इनके पास पैसे होते, शक्कर कम क्यों लेते हैं ये? सिक्स पैक बनाना होता है सर। क्या बात है, उसके लिए लेते हैं। अच्छा वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं ये गरीब है या अमीर है, ये बहुत अमीर है पाजी। ये खुद देखो आदित्य राय कपूर, नाम से पता चलता है। भाई देखो सिद्धार्थ राय कपूर, भाभी देखो विद्या बालन राय कपूर। भाई राय नहीं है, रॉय 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 विद्या बालन रॉय कपूर। भाभी देखो विद्या बालन रॉय कपूर। अब ठीक है ऑफ कोर्स। तीन लोगों ने 12 तो नाम रखे, अमीर नहीं हो गए? मेरा देखो पाजी अकेले का चंदन प्रभाकर था, पीछे चंदू रह गया है। वैसे शर्मास भी आजकल डूइंग वेल इन इंडस्ट्री। शर्मा है लेकिन पाजी वो शर्मा अमीर नहीं लगते। क्या बात कर रहा है, अनुष्का शर्मा अमीर नहीं लगती? ओ नहीं पाजी, लेकिन मैं वो और शर्मे की बात कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि वहाँ पर ऊपर जो नंबर प्लेट है वो पढ़ो। अब बेवकूफ आदमी नंबर प्लेट नहीं होती, कितनी बार कहा तेरे को शो का टाइटल है वो। ये पुरानी चीजें निकलती रही, तेरे दिमाग से निकलता नहीं जो तू स्कूटर की नंबर प्लेट लिखता था उससे निकल। अभी तेरा नया काम है। मेरी बात सुनो, जो स्कूटर के पास जो स्कूटर का मैकेनिक था ना उसके पास मैं पेंटर का काम करता था। पेंटर का जैसे मकबूल भी था इसान के साथ पेंटिंग की। सोनी साहब तेरा दिमाग खराब। सोनी टीवी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सोनी के ओनर का नाम भी सोनी होगा। कोई तो साहब बैठेंगे होंगे उधर। प्लीज मुझे बोले सोनू साहब, मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, आप मुझे अलग से शो दे दें, हो सकेगा तो मैं आपकी गाड़ी भी दो दूंगा। क्या आदित्य राय कपूर जी? राय फिर बोला। आदित्य रॉय कपूर जी। हाँ। मैंने आपकी पिक्चर देखी थी दावत इश्क, वो जो ढाबे का आइडिया था ना वो मैंने आपसे वहीं से लिया था। अच्छा इसका। हाँ अच्छा वो भी वहीं से आया था आइडिया। हाँ जी। इसको खुद का कुछ नहीं आता, पसीना भी घोड़े का आता है इसको। और जब इनको गधे का आ सकता मुझे घोड़े का भी नहीं आ सकता जी। ये भी कटेगी। वही बात, आज दिल खराब है भाई कपिल का। नहीं नहीं, कल से जो इनके लिए बनती है वो कटेंगी ना, रिहर्सल में कुछ और करते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, शरे आम काटा जाएगा और कुछ। डर के श्रद्धा मैं आपसे श्रद्धा नहीं श्रद्धा, श्रद्धा ही बोला है श्रद्धा आए श्रद्धा। तू सब्जी मंडी में बैठा हुआ है श्रद्धा। श्रद्धा ये ठीक है? श्रद्धा श्रद्धा ये ठीक है? हाँ हाँ श्रद्धा। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मांगना तो हमें पता होता है, तू काम बता, मांगना तो तेरा फिक्स ही है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो मेरी जो चाय है वो 250 रुपये की बिके। 125 कप बेचा कर। 125 कप 2 रुपये की चाय, 250 रुपये तेरा पूरा। शर्मा जी मैं 1 कप 250 की बात कर रहा हूँ। 5-star होटल की तरह 1 कप 250 रुपये का। शराब पी कितनी है? क्यों 1 कप 250 का तेरी कौन चाय पिएगा अभी? क्यों नहीं बिकेगी ना? ठीक है फिर नहीं बिकेगी तो मैंने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी है। किस पार्टी के साथ? पार्टी पूटी कोई नहीं, बर्थडे थोड़ी मना रहा हूँ इधर। किस पार्टी के साथ?
इस बेवकूफ को समझाओ पाजी, पॉलिटिक्स सीधे नहीं होती कभी भी, सीधे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। अच्छा मतलब ये भी आइडिया कैंसिल? कोई बात नहीं, अगर ये भी आइडिया कैंसिल हो गया, लास्ट आइडिया तो फिर फाइनल ऑप्शन जो मेरे पास है वो क्या? तो फिर होनी होनी है क्या? बॉलीवुड में मैंने एज ए स्टार लॉन्च हो जाना। अब तो तेरे जूते बनते हैं। अब सीधी हाथ हाई करूंगा मैं, इसका कोई जवाब। क्या कहा तूने? तू हीरो बनेगा? ये सारी बातें आप लोगों को सुन गई है, जो पहले हो रही थी वो नहीं सुनाई दे रही थी। अरे जा 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 जा, ठीक से अपने बीवी को टाइम दे और दोबारा बाप बन। पहला वाला ठीक से नहीं हुआ, पूरा का पूरा तेरे पे गया है। हीरो बनेगा? एक लोहे का थप्पड़ तेजाब में डुबो के लाया जाए, हीरो बनेगा तू? और बाप बनने के बाद बच्चों को डायपर पे नहाने तो शर्ट चेंज करता फिरेगा अपने। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर ये हीरो बनेगा तो मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, मैं संन्यास ले लूंगी। हाँ हम चलते हैं पहाड़ों पे, गुड आइडिया। शट अप, यू हग मी। शट अप, यू गिव मी अ फ्लाइंग किस। मैं ऊपर आ जा, आ जा, ऊपर ये बात करी कैसे यार मेरी बात? नानी मुझे भी पता तेरी अंदरूनी शक्ति, इसे मर्दों की तरह पीट, दफा हो जा यहाँ से। मेरी बात सुनो, हीरो बनेगा तू? मेरी बात सुनो, रुको, दफा हो जा। और मुंह से निकल जाता है यार, खोलती भी चाय फेंकूंगी तेरे ऊपर, दफा हो जा यहाँ से। वो ले जा, फाइव स्टार ले जा, अपना तीन टप्पर उड़ा चल। यार हद है, हीरो बनेगा से ऐसी बात की तो। ओके सर, ओके मैम, श्रद्धा जी। ओके ओके जी, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा।